दूसरा दूसरा उदाहरण ये कहता है कि जब सोना कुछ दिनों तक रखा तिजोरी में बंद रखा थोड़ा थोड़ा उस पर कालापन या थोड़ा पीलापन चढ़ जाता है, तो उसके कालापन को हटाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? हाँ, जो भी वो घिसने वाला होता है पदार्थ, पॉलिश, उससे उसको घिसा जाता है, पॉलिश किया जाता है। तो क्या होगा पॉलिश से? बोले जो उसका कालापन है वो दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो मन है, ये बरसों से इस दुनिया में ऐसा रच पच गया है कि इस पर माया का कालापन चढ़ गया, इस पर विषयों का कालापन चढ़ गया। अब उसको दूर करने के लिए भी पॉलिश एसिड चाहिए और घिसने वाला सुनहार भी चाहिए जो उसको साफ करे। तो सुनहार कौन है और पॉलिश क्या है, पदार्थ क्या है? तो कह रहे हैं कि मन है वो सोना जो माया में काला हो गया है, लेकिन सत्संग वो पॉलिश है और सद्गुरु वो सुनहार है जो सत्संग के द्वारा पॉलिश करके हमारे मन को पहले जैसा चमका देता है, एकदम स्वच्छ, एकदम साफ कर देता है और फिर मन एकदम चमकने लगता है। जैसा जन्म के समय मन मिला था बिना किसी अवगुणों से भरा हुआ, मन वैसा ही एकदम स्वच्छ साफ हो जाता है। पर होगा कैसे? सत्संग रूपी पॉलिश और कोई संत या सद्गुरु रूपी सुनहार हो जो हमारे मन को स्वच्छ करे, मन को साफ करे। और जब तक मन काला है, जब तक मन में कालिक लगी है, तब तक भगवान की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले इस कथा में क्या करना है, इस कथा में ये देखना है आपको कि आपके मन में कहां कहां दाग है, कौन सा अवगुण है। आप कथा के साथ साथ चलिएगा तो आपको सब जैसे दर्पण में चेहरा दिख जाता है, वैसे कथा आपको आपका ही मन दिखाएगी कि आप कैसे हो, आप देवता जैसे हो या आप दानव जैसे हो, गुणों से भरे हो या अवगुणों से भरे हो। कथा आपको समय समय पर ठोक बजा के बताएगी यहां कमी है, यहां दाग है। और मान लीजिए आप कोई ब्याह में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, वो बढ़िया बन ठन के आप तैयार हो गए, क्रीम पाउडर लगा लिया, मेकअप लगा लिया, बिंदी लगा ली, 16 श्रृंगार कर लिया। अब जब शीशे में देखा तैयार होके, तब क्या दिखा? गाल पर एक काला काजल का टीका लगा रह गया और आपको वो दर्पण में दिख गया, तो क्या करोगे? काले टीके को वहीं छोड़ दोगे या उसे साफ करोगे? क्या करेंगे मैया बताइए, साफ करेंगे या छोड़ देंगे? अरे गंदा कौन दिखना चाहता है, तुरंत जो भी कपड़ा लेके उसको साफ करें। नहीं दिखा तो अलग बात था, दिख गया तो तुरंत उसे साफ करना है। ठीक उसी प्रकार जब भागवत श्रवण करते करते भागवत आपको दिखाती रहे यहां कमी है, यहां कालिक लगी है, तो हमें क्या करना है? देख के छोड़ नहीं देना, अच्छा ठीक है कमी है तो है, उसे साफ करना है, उसे स्वच्छ करना है, साफ करते करते आगे चलना है। ये कमी है, अच्छा ठीक है हम प्रयास करेंगे इस कमी को धोने की, तब तो कथा सुनने का लाभ है, नहीं तो कथा केवल एक मनोरंजन बन के रह जाती है। 3 घंटे बस आए, देखा सुना, अच्छी लगी देखने में, व्यवस्था बढ़िया थी, कहने वाले ने 2-4 भजन अच्छे गा दिए, वह नाच लिए, हो गया काम। मैं बार बार इस बात को निवेदन करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि लोगों ने कथा को बस ऐसे ही समझ लिया है, निवेदन करते बोल 2-4 भजन अच्छे सुना दो बस। ठीक है भाव अच्छा है कि हम थोड़ा सा बीच बीच में चार्ज हो जाए, पर कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है अपनी कमियों को ढूंढिए,
कथा सुन के समझ आ जाए कि हाँ ये कमी है मेरे अंदर, मुझे इसको साफ करना है, मुझे ये ठीक करना है, मुझे अब ये करना है, इतने साल बीत गए मेरे जीवन के, अब नहीं बीतने चाहिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।